नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। बिहारी न्यूज और द फिजियोथेरेपी क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर पूरे देश के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया था, जिसके तहत बिहार की राजधानी पटना में भी डॉक्टर दिवस के अवसर पर ऐसी ही झलक देखने को मिली। द फिजियोथेरेपी क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर सुजीत कुमार और बिहारी न्यूज के संस्थापक संदीप कुमार द्वारा गठित समिति में दिल्ली एम्स के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन की अध्यक्षता में अन्य 2 सदस्य बैंगलोर के डॉक्टर शत्रुंजय शरण और इंदौर के डॉक्टर आनंद मिश्रा के द्वारा समीक्षा कर प्रमुख डॉक्टरों समाज के प्रति उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए नामित करने पर सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख बीबी भारती, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार, जनरल सर्जन डॉक्टर वैजनाथ कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन मुकेश कुमार एवं धीरज कुमार, न्यूरो सर्जन डॉक्टर इंदु भूषण, जनरल सर्जन राकेश कुमार, आई सर्जन कुमारी रिंकू, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजेश्नु प्रकाश, स्किन सुनील कुमार, डॉक्टर विवेक सिंह और डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर अंजनी कुमार हैदराबाद से और दोनों संस्थाओं की तरफ से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वहीं इस मौके पर बिहारी न्यूज के संस्थापक संदीप कुमार ने बताया कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर इन तरीके के कार्यक्रम में चिकित्सक गणों का मनोबल बढ़ता है और द फिजियोथेरेपी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार ने कहा कि COVID-19 और कोरोना के इस माहौल में सभी चिकित्सक गण अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना बेहद ही आवश्यक है। चीनी ऐप्स को बंद करने की असली वजह आई सामने। भारत में कुछ दिनों पहले ही चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि भारत के इस कदम की वजह को भारत चीन के बीच में उत्पन्न हुए तनाव के कारण माना जा रहा था, लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों की माने तो सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऐप्स के माध्यम से डेटा बिना यूजर के परमिशन के राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने से रोका जा सके। यह निर्णय चीन और उसकी संस्थाओं को भारत में नागरिक संरचना और AI जैसी उभरती हुई तकनीक वाले सेक्टर में रोकने के लिए बनाई जा रही योजना का एक हिस्सा है। साथ ही CCP की मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन रणनीति को विफल करना भी इसके पीछे का एक कारण है। आपको बता दें, मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन रणनीति के तहत CCP टिकटॉक और UC ब्राउजर जैसे अन्य इसका इस्तेमाल करते हुए इसका डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकती है। किसानों के लिए बैंकों ने जारी किए 70.32 लाख क्रेडिट कार्ड। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब तक किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसके तहत अब तक 6,287 करोड़ रुपए की ऋण सीमा भी तय कर दी गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दी है। और उन्होंने अपने ट्विटर पर बताया है कि 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कुल 20 लाख करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज के तहत 6,287 करोड़ रुपए की उम्र सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसमें किसानों को खरीफ के दौरान बुआई करने में मदद मिलेगी। सिर्फ खेती करने वाले किसानों के लिए नहीं, बल्कि सरकार ने मछुआरों, पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक के लिए भी 2.5 करोड़ किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी। भारत अमेरिका के बाद चीन के खिलाफ हुआ ऑस्ट्रेलिया। चीन भारत और अमेरिका के साथ लगातार विवादों के घेरे में है। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया से भी चीन को लेकर कई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो चीन के रवैये से ताइवान और ऑस्ट्रेलिया भी अब ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। चीन द्वारा साइबर तरीके से घेराबंदी से ऑस्ट्रेलिया को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अब चीन के खिलाफ सेना को मैदान में उतारने का बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा कर दिया है कि अब वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सेना को और मजबूत करेगा और चीन को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। साथ ही सभी सेनाओं से हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही है। देश के सबसे बड़े कोविड सेंटर में बनाए गए अनोखे बेड। राजधानी दिल्ली में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ही देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर लगभग 10,000 बेड की व्यवस्था की गई है। वहां के बेड एक से एक अनूठे तरीके से बनाए गए हैं। राधास्वामी सत्संग व्यास में बनाए गए सबसे बड़े सेंटर में COVID-19 के लिए बनाए गए बेड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि COVID-19 के इस माहौल में इतनी संख्या में बेड की व्यवस्था करवाना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को आसान करने के लिए बेड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े भौतिक विज्ञान के जरिए बहुत कम समय और आसान तरीके से मरीजों के लिए हजारों की संख्या में कार्डबोर्ड से बना यह बेड तैयार किया गया है। इस बेड को बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जानकारों की माने तो सरदार पटेल COVID-19
सेंटर पर देखरेख करने वाले साउथ डिस्ट्रिक्ट के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि इन बेड्स को बनाने में केवल 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है, पर एक दिन में लगभग 600 के करीब बेड को बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार का कैबिनेट हुआ विस्तार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान सरकार का कैबिनेट विस्तार किया गया है। राजभवन में करीब 28 लोगों को कैबिनेट और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करवाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद दिखे, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार में अब गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, प्रेम सिंह पटेल, यशोधरा राजे, भूपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह भदौरिया, एदल सिंह, ओपी सकलेचा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, उषा ठाकुर, मोहन यादव, भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खेलवान पटेल, हरदीप सिंह डांग, राम किशोर कावरे, राज्यवर्धन दत्ती गांव, प्रभु राम चौधरी, अमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया, ब्रजेंद्र यादव, सुरेश ठाकर, ओपी भदौरिया, विसाहू लाल सिंह, गिरिराज दंडोतिया का शपथ ग्रहण करवाया गया है। रूस में फंसे 143 भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश पहुंचा विमान। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण लंबे समय से रूस में फंसे 143 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का एक विशेष विमान बीते दिन देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतर गया है, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया का विशेष विमान रूस की राजधानी मॉस्को के दोमोदेवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़कर दिल्ली होते हुए भारतीय मानक समय के मुताबिक 3:40 पर इंदौर पहुंचाया गया है। रूस में फंसे 143 नागरिकों के वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापसी हुई है। हालांकि इन सभी यात्रियों के पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की गई है, उनके सामान को संक्रमण मुक्त किया गया है, जिसमें से 24 लोगों को शहर के क्वारंटाइन केंद्र में 7 दिनों के लिए भेज दिया गया है। बाकी सभी यात्रियों को उनके घर पर ही रहने की नसीहत दी गई है। भारत की तरफ से चीन को लग सकता है एक और करारा झटका। भारत में चीन को उसकी जगह सही दिखाने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत कुछ दिनों पहले भारत ने चीन के 59 ऐप्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसके बाद चीनी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की तरफ से टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स बंद किए जाने से चीन को कम से कम $6 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि पिछले महीने भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख सीमा के पास हुए वाक्य के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स पर प्रतिबंध दिया था, जिसकी वजह से चीनी इंटरनेट कंपनी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। और यही कारण है कि चीनी इंटरनेट कंपनी व्हाइट डांस, जो कि टिकटॉक और हेलो जैसे ऐप्स की मदर कंपनी मानी जाती है, उसे कम से कम $6 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाइटडांस के अधिकारियों की माने तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने भारतीय बाजार के $1 मिलियन से अधिक का निवेश किया था और प्रतिबंध ने इस पूरे कार्य को रोक दिया है, जिसे कम से कम 6 बिलियन का नुकसान तय है। सोने की कीमत में आया उछाल। दुनिया में सोने की कीमत में अचानक से उछाल दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत बढ़ने की वजह से जुलाई के पहले ही दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारों की माने तो 1 जुलाई को 24 कैरेट सोने का भाव अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 50,300 प्रति 10 ग्राम में रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। इससे पहले जून महीने में सोने ने 3 और अलग रिकॉर्ड बनाए थे। इसके अलावा चांदी के भाव में भी 1200 की उछाल दर्ज की गई है, जिसके साथ ही 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए 51,300 प्रति किलोग्राम चांदी हो गया है। इतना ही नहीं, जेवराती सोने के भाव में 500 रुपए की तेजी देखी गई है। इसके साथ ही 47,300 प्रति 10 ग्राम का नया भाव पर पहुंच गया है। हालांकि विश्व स्तर पर देखें तो यह कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। सोने की खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए निवेश के तौर पर की जा रही है। कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों से केजरीवाल ने की अपील। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी से अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है, मगर दिल्ली सरकार इस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने में लगी हुई है। इसी क्रम में बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 स्वस्थ मरीजों से अपील की है कि उनका प्लाज्मा डोनेट करें, जिसके तहत उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जो भी कोरोना से ठीक हो गए हैं वो आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके। दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या में गिरावट आई है। जून में एक दिन में 125 जाने गई थी, जबकि अब रोजाना 60 से 65 व्यक्तियों की जान जा रही है। हमें इसे और कम करना होगा। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में दिक्कत आ रही थी, मगर प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि लोगों को दिक्कत कम होगी। महिंद्रा जल्द ही लॉन्च करने वाली है इलेक्ट्रिक कार। कोविड-19 के इस माहौल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। कंपनी अब आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक ने 2021 में 3 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने का लक्ष्य जारी किया है। कंपनी ने पिछले साल 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे थे। वहीं कोविड-19 के दौरान ट्रियो ऑटो और ट्रियो
ई रिक्शा की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अब एक और लोड कैरियर ट्रियो जोर को साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी और सीईओ महेश बाबू ने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ऑटो लोड की काफी संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साल के अंत तक इसे भारी संख्या में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव का फायदा उठाने के फिराक में पाकिस्तान। भारत नेपाल के बीच में सीमा विवाद को लेकर काफी ज्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं इसी का फायदा पाकिस्तान उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। भारत विरोधी कदम उठाकर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पाकिस्तान का साथ मिला है। अधिकारियों की माने तो अपनी कुर्सी जाने के डर से ओली ने यह फैसला उठाया है और कहा है कि भारत उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। वो इमरान खान ने केपी ओली से बातचीत के लिए समय मांगा है और इसके लिए इस्लामाबाद ने नेपाल के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस बीच भी बात सामने आई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत करके इस्लामाबाद पुरजोर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भारत को घेर सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में नेपाल से विवादित नए नक्शे को लेकर नई दिल्ली और काठमांडू के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ट्रेन अब पटरियों पर दौड़ेंगी दोगुनी रफ्तार से, उक्त ऐलान भारतीय रेलवे ने किया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा तक दो मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार तेज होने वाली है। इन मार्गों पर चलने वाली ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कम समय में तेजी से यात्रियों की आवाजाही हो सके। इस मुद्दे को लेकर रेलवे बोर्ड के सदस्य प्रदीप कुमार ने कहा है कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्ग फिटनेस और सिग्नलिंग विचार के लिए लगभग तैयार हो गया है। इस मार्ग पर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती है। इस वित्तीय वर्ष परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आएंगे और रेलवे का यह विचार संभव होता नजर आ रहा है। केला किसानों को मिली खुशखबरी, केले का कारोबार करने वाले किसानों को राहत की खबर सुनाई गई है। कोविड-19 के कारण लागू बंद में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के आधारपुर तहसील के केले की खेती करने वाले किसानों को खाड़ी देश से निर्यात की मांग बिल्कुल ही बंद हो गई थी। हालांकि अब अनलॉक लागू होने के बाद निर्यात की मांग मिलने लगी है, जिसके बाद उनकी उपज का बेहतर कीमत पाने में मदद मिल रही है, जिसकी पुष्टि राज्य के कृषि विभाग ने की है। साथ ही यह भी बताया है कि केला और दूसरी फसलों के निर्यात के लिए विभाग किसानों का मार्गदर्शन कर रही है। मुंबई से करीब 570 किलोमीटर दूर स्थित आधारपुर और नांदेड़ के दूसरे हिस्सों में पानी की उपलब्धता के कारण केले की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी होती है और भारी मात्रा में इसकी उपज करवाई जाती है, जिसके बाद बंद में किसानों की समस्या बढ़ गई थी। मगर अब किसानों की माने तो लगभग 44 टन के लिए हर दिन आधारपुर से ओमान, ईरान, इराक और दुबई के लिए निर्यात किए जा रहे हैं। आज से पर्यटकों के लिए खुल गया गोवा। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण गोवा के सभी पर्यटन स्थल काफी लंबे समय से बंद पड़े थे। हालांकि अब छूट में मिल रही रियायतों के कारण आज से गोवा में पर्यटन स्थल को खोलने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत 250 होटल को उनके लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन पर्यटकों का यहां प्रवेश करने के लिए अपनी कोविड-19 रिपोर्ट को साथ में रखना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि गोवा में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कुल मिलाकर 1315 मामले हैं, जिसमें से 716 सक्रिय मामले हैं। अब तक 596 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच गोवा के पर्यटन स्थल को खोलने का फैसला कितना सही है कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।